आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। यूपी में दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के समापन के साथ साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। सभी दिग्गज अपनी अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है क्योंकि ये पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों में है। तो चलिए जानते हैं तीसरे चरण के चुनाव में किन किन सीटों पर चुनाव होने हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बताओ, बीजेपी का सफाया करोगे क्या नहीं करोगे? प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के समापन के साथ साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी तीसरे चरण की चुनौती पड़ी है क्योंकि ये चुनाव पहले दोनों चरणों के मुकाबले ज्यादा जिलों में है और अब तीसरे चरण के लिए दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। यूपी का रण अब जाट लैंड से शिफ्ट होकर यादव लैंड तक पहुंच गया है। यादव लैंड में जनसमर्थन जुटाने के लिए शाह और योगी पहुंचे तो वहीं अखिलेश यादव अवध में गरजे। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। गौरतलब है कि तीसरे चरण में यूपी के तीन हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है, जिसमें पश्चिमी यूपी के पांच जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां पर 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं जहाँ 27 विधानसभा सीटें हैं और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछले बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 में 30 यादव बहुल सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। उस समय सपा का ये सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा पर सवार थी, जिसका फायदा 2017 में बीजेपी को खूब मिला था और इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती हैं। इसी मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। करहल सीट तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जाति गणित को दुरुस्त करने का है। यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान है वहां सियासी दिग्गज तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। यूपी का रण अब जाट लैंड से शिफ्ट होकर यादव लैंड तक पहुंच चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औरैया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में यूपी में कट्टे और छर्रे बनते थे, लेकिन योगी सरकार में गोले बनते हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। मुझे बताओ आप जरा, कहीं पर भी कोई माफिया आपको परेशान कर सकता है क्या? आपकी जमीन कब्जा सकता है क्या? माताओं बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? योगी जी ने यूपी से माफियाओं का पलायन करने का काम कर दिया है। और मित्रों, ये अखिलेश कहते हैं कि क्या हुआ है? अरे अखिलेश बाबू, जिसका चश्मा ही पीला हो ना, उसको सब पीला ही दिखाई पड़ता है। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, आप आओ यहां तो उसका जवाब देना। मुझे मालूम है आप आओगे नहीं, परंतु आओ तो जवाब देना, आपके 5 साल में जो डकैती कर संख्या था उसको योगी जी ने 72% पर कम करने का काम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सपा प्रमुख ने फतेहपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले चरण में सन, दूसरे में सुन और तीसरे चरण में भाजपाई और भाजपा शून्य हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बार कोई खाता नहीं खुलने वाला। और दूसरे चरण का बोर्ड देख करके सुन्न पड़ गए हैं, और जब रायबरेली बोर्ड डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं? हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूक फूक कर मोहरे बिठा रही है, लेकिन किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।